तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये है अपने पास एक प्लांट, ये है अपने पास एक प्लांट, और सबको पता है प्लांट में क्या होते हैं। प्लांट में रूट्स होती हैं, प्लांट में स्टेम होता है, प्लांट में लीव्स होती हैं, प्लांट में फ्लावर्स होते हैं, प्लांट में फ्रूट्स होते हैं। बिल्कुल क्लियर है, सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अब इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है, हम पहले रूट्स के बारे में पढ़ लेंगे, फिर क्या है, फिर हम स्टेम के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम लीव्स के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम फ्लावर के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम फ्रूट के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये सब ही पढ़ना है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रूट्स के साथ। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम रूट्स के साथ। देखो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपने किसी भी टॉपिक की डिवीजन अच्छी कर ली तो समझ लो आधा काम आपका वहीं खत्म हो जाता है। तो कुछ ऐसी ही डिवीजन की है मैंने रूट्स की, है ना। एनसीईआरटी की एक एक वर्ड, एक एक लाइन भी कवर होगी और चीजें बिल्कुल आसानी से समझ भी आएंगी। देखो रूट्स की अराइज होने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो रूट से रेडिकल से अराइज होगी या रेडिकल से अराइज नहीं होगी। अब ये रेडिकल क्या होता है चैप्टर में आगे आ जाएगा, अभी सिर्फ इतना याद रखो R4 रूट्स, R4 रेडिकल। ठीक है, रूट्स के अराइज होने की दो पॉसिबिलिटी, या तो रूट से रेडिकल से अराइज होंगी या रेडिकल से अराइज नहीं होंगी। बिल्कुल सिंपल है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखो जो रूट से रेडिकल से अराइज होंगी वो क्या बना देंगी, वो बना देंगी प्राइमरी रूट, वो बना देंगी प्राइमरी रूट। अब इस प्राइमरी रूट के पास भी दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये प्राइमरी रूट क्या बना दे डिवाइड फर्दर डिफरेंशिएट होके सेकेंडरी एंड टर्शरी और आगे भी बहुत सारी इसी तरीके से, है ना। या तो प्राइमरी रूट सेकेंडरी टर्शरी फर्दर डिवाइड फर्दर डिफरेंशिएट होती जाए, या दूसरा ऑप्शन क्या है, प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाए किससे, लार्ज नंबर ऑफ रूट से। एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं, प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, और ये लार्ज नंबर ऑफ रूट्स जो है वो कहां से अराइज होंगी, बिल्कुल बेस ऑफ स्टेम से, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो प्राइमरी रूट अगर सेकेंडरी टर्शरी इनमें डिफरेंशिएट हो जाती है तो उसको बोलते हैं टैप रूट, उसको बोलते हैं टैप रूट, जो किसमें पाई जाती है, मस्टर्ड में पाई जाती है। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और ये आपको भूल जाए तो ऐसे याद रखना, T4 क्या होता है, तलना, T4 होता है तलना, जैसे समोसे तलना, पकोड़े तलना। तो हम समोसे किस में तलते हैं, मस्टर्ड यानी सरसों के तेल में। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, अगर प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाए लार्ज नंबर ऑफ रूट से तो उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट, और ये किस में होती है, वीट में होती है। एनसीईआरटी के एग्जांपल टू एग्जांपल चल रहे हैं। अब वीट, देखो गेहूं, वीट मतलब गेहूं, और गेहूं का बनता है आटा। आपने टीवी में एड भी देखी होगी जो आटा की एड आती है कि हमारे आटे में, हमारे गेहूं में फाइबर ज्यादा है ना, तो गेहूं में क्या होता है, फाइबर होता है, फाइब्रस रूट का एग्जांपल वीट है, है ना। और इधर जो रूट रेडिकल से अराइज नहीं होंगी, मतलब अदर देन रेडिकल से अराइज होंगी, उनको बोल देंगे एडवेंटिशियस रूट, है ना। और ये किस में होती है, देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल, मैं सिंपल सा इसकी ट्रिक बताता हूं कि जायंट मॉन्स्टर ऑन बनियान ट्री, मतलब बनियान ट्री पे जायंट मॉन्स्टर बैठा था, जायंट मॉन्स्टर ऑन बनियान ट्री, जायंट मतलब ग्रास और मॉन्स्टर मतलब मॉन्स्टेरा, और बनियान ट्री तो बनियान ट्री। देखो बिल्कुल आराम से चलेंगे, स्लो चलेंगे, पर एक एक चीज को साथ साथ में बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे, बिल्कुल याद करते हुए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, एक एक चीज को साथ में पॉकेट में डालते हुए चलेंगे। अब देखो टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, अब इनके एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हैं। ये है टैप रूट का डायग्राम है, टैप रूट का देखो, ये थी वो प्राइमरी, फिर ये फर्दर फर्दर सेकेंडरी टर्शरी बन जाएंगी। ठीक है, बी है फाइब्रस रूट का कि ये बेस ऑफ स्टेम है, और बेस ऑफ स्टेम से मान लो ये फर्दर 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 बहुत सारी नंबर ऑफ रूट्स निकल जाएंगी, और ये है एडवेंटिशियस रूट, मतलब जो अदर देन रेडिकल से अराइज होंगी। बिल्कुल इतनी बात क्लियर है रूट्स में, बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब एनसीईआरटी में एक पहरा दिया हुआ है रीजन्स ऑफ रूट, ठीक है, उसके बारे में पूरा एक पहरा लिखा गया और ये एक डायग्राम दिया गया। ठीक है, हम सिंपली पहरा को हम पढ़ते ही नहीं है, हम ये डायग्राम बस समझ लेते हैं, अपने पहरा का एक एक वर्ड पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो रीजन्स देखो कौन से रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ एलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, अब रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी, मेरिस्टमैटिक नाम से ही पता लग गया कि यहां की सेल क्या करेंगी, डिवीजन करेंगी, डिवीजन डिवाइड करेंगी। ठीक है, और उन सेल्स के बारे में एक लाइन पूरी क्लियर लिखी हुई है कि उन सेल्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, थिन पतली होती हैं, थिन होती हैं, और उनका प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है रीजन ऑफ इलोंगेशन, तो नाम से ही पता लग रहा है इलोंगेट, यहां की सेल्स क्या करेंगी, इलोंगेट करेंगी, रैपिड इलोंगेशन करेंगे। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, इसके बारे में लिखा हुआ है कि इस रीजन में जो एपिडर्मल सेल होती है वो क्या बना देती है, रूट हेयर्स बना देती है। ठीक है,
एपिडर्मल सेल है वो रूट हेयर्स की फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। और रूट हेयर का काम क्या है, अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये रूट हेयर करेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आती है रूट कैप। रूट कैप इसको कैसे समझे, देखो मान लो ये मेरी फिंगर है और मैं ऐसे इसको मिट्टी में डाल रहा हूं, है ना, मैं इसको ऐसे मिट्टी में डाल रहा हूं, तो हो सकता है मेरी फिंगर की टिप जो है वो डैमेज हो जाए। तो मैं क्या करता हूं प्रोटेक्शन के लिए यहां पे एक टेप लगा लेता हूं, है ना, और फिर उसको मिट्टी में डालूं तो डैमेज का खतरा कम है। तो ऐसी ही है रूट कैप। देखो रूट है, रूट क्या है, सॉयल के अंदर, मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर पेनिट्रेट करेगी, तो पेनिट्रेट करेगी तो हो सकता है वो डैमेज हो जाए, तो उस डैमेज से बचाने के लिए इसके ऊपर क्या होती है रूट कैप, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बिल्कुल एक एक चीज ऐसे पहरा की आप पढ़ के देख लेना, एक एक वर्ड आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कोई आपसे पूछ ले कि रूट का फंक्शन क्या होता है, रूट का फंक्शन, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि रूट क्या करती है, रूट्स क्या करती हैं, जमीन से पानी को सोखती हैं प्लांट के लिए, है ना, अब्सॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है। और एक रूट का फंक्शन आपको याद रखना है सिंथेसिस ऑफ पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो है बेसिक नॉर्मल जो टिपिकल सिचुएशन है, बट कुछ जगह पे कुछ केसेस में क्या होता है रूट्स इन फंक्शन के अलावा और कोई एक्स्ट्रा फंक्शन भी परफॉर्म करने लग जाती है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रूट्स अपने बेसिक जो फंक्शन है उनके अलावा अगर कोई दूसरे फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे सपोर्ट, जैसे रेस्पिरेशन, तो उसको बोल देंगे क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब देखो ये है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि रूट्स की मॉडिफिकेशन तीन कामों के लिए हो सकती है, फूड स्टोरेज या सपोर्ट या रेस्पिरेशन, ठीक है। अब फूड स्टोरेज किसकी रूट्स में होती है, टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप, एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। अब इसमें याद कुछ भी नहीं करना, आपने देखा होगा, आपने टर्निप देखी है, शलगम सबने देखी है, कैरेट गाजर सबने देखी है, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी सबने देखी है, ठीक है। तो ये क्या होती है, तीनों क्या होती है, रूट्स होती है, और हमको ये भी पता है कि को हम खाते हैं, मतलब इनमें फूड स्टोरेज होती है ना। तो सिंपल सी बात है, याद ही नहीं किया है ना, इनमें फूड स्टोरेज है और इनको हम खाते हैं, तो उससे पता लग जाएगा, और ये तीनों क्या होती है, रूट्स होती है, को तो कुछ भी याद नहीं किया, ठीक है। अब नेक्स्ट है सपोर्ट। नेक्स्ट है सपोर्ट। सपोर्ट के एग्जांपल क्या दिए हैं, प्रॉप रूट ऑफ बनियान ट्री, स्टिल्ट रूट ऑफ मेज या शुगर केन। अब इसमें भी कुछ याद नहीं करना, आपने बनियान ट्री देखा है, आपने बनियान ट्री देखा होगा, इसमें कैसे कैसे रूट्स होती है, तो वो क्या होती है, प्रॉप रूट्स होती है। और आपने शुगर केन या मेज को भी देखा होगा, शुगर केन या मेज के आप बेस में देखना, कुछ इस तरीके से रूट्स निकली होती है, वो कौन सी होती है, स्टिल्ट रूट होती है। तो अलग से देखने से ही पता लग रहा है, ये भी देखने से ही पता लग रहा है कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, इसमें क्या है, कौन सी रूट्स है, न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर वो कहां प्रेजेंट होती है, राइजोपोरा में प्रेजेंट होती है। अब यहां पे एक पॉइंट ध्यान पे रखना आपको कि ये कौन से एरिया में होती है, स्वैम्पी एरिया में होता है, मतलब एक दलदल वाले एरिया में, ठीक है, दलदल वाले एरिया में। और ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है किसका, न्यूमेटोफोर का, रेस्पिरेशन के लिए, ऐसे जमीन से दलदल से ऐसे बाहर आ रखी है रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। और एक एस्पेरेगस का भी इसमें स्टोरेज ऑफ फूड में याद रखना, एस्पेरेगस में भी स्टोरेज ऑफ फूड का डायग्राम जो है वो दिया गया है। अब हम रूट्स के बाद बात करने वाले हैं स्टेम के बारे में। तो स्टेम का पहला पॉइंट तो यही है कि स्टेम अराइज फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। हमने रूट्स में बात की थी कि नॉर्मली रूट्स क्या होती हैं, रेडिकल से अराइज करती हैं, और स्टेम कहां से, प्लूम्यूल से अराइज करता है। और प्लूम्यूल एंड रेडिकल ये सब क्या होते हैं, ये आगे जाके हम करेंगे, टेंशन मतलब, ठीक है। और स्टेम का फंक्शन क्या होता है, ये तो सबको पता है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस है। स्टेम का फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। अब देखो स्टेम के बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको कवर करने के लिए मैंने एक रफ डायग्राम बनाया एक प्लांट का, है ना, इससे अपना एक एक वर्ड एनसीईआरटी का क्लियर हो जाएगा, है ना। और जो बेसिक कंफ्यूजन है, मेरे को पता है कहां पे कंफ्यूजन होती है, कि नोड क्या होता है, बड क्या होता है, ये वो सारा बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखो ये है एक प्लांट। अब प्लांट में क्या होता है, प्लांट में रूट्स होती है, प्लांट में ये बीच में मैंने बनाई है ये स्टेम होती है, और क्या होता है प्लांट में लीव्स होती है, ये लीव्स बना दी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो जब ये स्टेम ग्रो करती है, ठीक है, देखो स्टेम ऐसे ग्रो करेगी, तो ये ग्रो करते हुए क्या करेगी, नोड्स बनाते हुए चलेगी, नोड्स जो मैंने ब्लू कलर में बनाए हैं वो है नोड्स, ठीक है। स्टेम जब ग्रो करेगी ऊपर की साइड, तो ये नोड्स की फॉर्मेशन करते हुए चलेगी, ठीक है। अब दो नोड्स के बीच का स्पेस क्या है, इंटर नोड। दो नोड्स के बीच का स्पेस इंटर नोड, ये इंटर नोड, ये नोड, है ना, ये नोड, फिर ये इंटर नोड, फिर ये नोड, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये नोड्स की खास बात क्या है, जहां पे ये नोड्स है वहां से क्या होगा, लीव्स का
जन्म होगा ना, लीव्स का अराइज होगा वहां से, बिल्कुल क्लियर है ठीक है, जहां नोड्स हैं वहां से लीव्स का अराइज होगा, बिल्कुल क्लियर है, एक एक पॉइंट ठीक है। अब देखो नोड से यहां लीव्स का अराइज हुआ, यहां भी नोड, नोड ये लीव्स बन रहे। अब देखो बिल्कुल यहीं पे साइड में क्या बनेगा, बड बनेगा, जो मैंने ये रेड कलर के बनाए हैं ये है बड, जहां से नोड से लीव्स का अराइज हुआ वहीं से लीव के यहां पे बिल्कुल साइड में क्या बनेगा, बड बनेगा। अब बड आगे जाके क्या बनाएगा, ब्रांचेस की फॉर्मेशन करता है ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ठीक है। अब यहां पे भी तो देखो, यहां पे भी तो नई लीव्स बनेगी, तो यहां पे भी मैंने बड ड्रॉ कर दिया ठीक है। अब देखो बड जो है वो दो टाइप के होते हैं पोजीशन के बेस पे, बिल्कुल देखने से ही पता लग रहा है, एक तो ये वाले बड है, एक तो ये वाले बड है जो बिल्कुल क्या है एपिकल पोजीशन पे है, बिल्कुल एपिकल बोलो या टर्मिनल पोजीशन पे, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ठीक है, इसको ध्यान से करना ठीक है। एक तो हो गए एपिकल या टर्मिनल बड, और दूसरे कौन से हो गए, ये जो साइड में लगे हुए ये कैसे हो गए, लेटरल या एक्सिलरी बड है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एपिकल या टर्मिनल बड, और ये वाले कौन से हैं, लेटरल या एक्सिलरी बड, बिल्कुल एक एक चीज एनसीईआरटी की अपनी क्लियर है ठीक है। अब देखो हमने स्टेम के बारे में बात की थी कि स्टेम का फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन है ना, कंडक्शन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स ठीक है। बट अगर स्टेम इस फंक्शन के अलावा भी कोई काम करने लग जाए, मतलब इसके अलावा कोई काम करने लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब देखो स्टेम की मॉडिफिकेशन तीन तरीके से हो सकती है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड एरियल मॉडिफिकेशन। नाम से ही पता लग रहा है अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे, सब एरियल मतलब थोड़ा थोड़ा वो जमीन से बाहर आ रहे हैं, जमीन के अंदर भी है और थोड़ा हवा में भी है ठीक है, और एरियल मतलब पूरे एयर में है, पूरे जमीन से बाहर हवा में है ठीक है। तो इनको वन बाई वन अब कवर करते हैं। सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, इसको कैसे याद करें, देखो इसमें ये चार अपने दिए हैं, देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। देखो सबसे पहले टी पोर्ट है ना, चाय का जो पोर्ट होता है टी पोर्ट, टी फॉर ट्यूबर, पोर्ट मतलब पोटैटो, मतलब ट्यूबर में आएगा पोटैटो ठीक है। नेक्स्ट कॉइन ऑन जमीन, मतलब कॉइन मतलब क्या होता है, कॉइन मतलब होता है सिक्का है ना, एक रुपए का सिक्का या दो रुपए का सिक्का वो जमीन पे पड़ा है, तो कॉइन से आया कॉर्म और जमीन से आया जमीकंद, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है गटर, गटर वो सीवेज वाला गटर मान लो, जीटीआर गटर ठीक है। जी से जिंजर, टी से टर्मरिक, आर से राइजोम, मतलब राइजोम में क्या आएंगे, जिंजर एंड टर्मरिक ठीक है। ये अपनी क्या चल रही है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन चल रही है। नेक्स्ट है बल्ब, अब इसके एग्जांपल क्या है, अनियन एंड गार्लिक, इनको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपने देखा होगा अनियन एंड गार्लिक कैसे दिखते हैं, एक बल्ब जैसे दिखते हैं, घर में जो बल्ब लगता है ना, जो पुराने टाइम पे येलो कलर वाले बल्ब होते थे बिल्कुल ऐसे होते थे, तो इनकी शेप ही बल्ब की जैसी है, इसीलिए इनको रखा गया बल्ब में है ना। और कमेंट्स में याद दिला देना कि ये बल्ब मेरे को वापस भी रखने हैं, नहीं मम्मी मेरे उड़ा देंगे। नेक्स्ट है सब एरियल मॉडिफिकेशन ठीक है, कौन से आते हैं इसमें, रनर, स्टोलोन, सकर, ऑफसेट ठीक है। पहले इनके एग्जांपल्स को याद करने की छोटी छोटी ट्रिक्स कर लेते हैं, सिंपल ठीक है। देखो रनर, रनर मतलब भागना, भागना कहां पे है, ग्रास पे, मतलब घास पे भागना है, और क्या खा के, स्ट्रॉबेरी खा के, स्ट्रॉबेरी खा के ग्रास यानी घास पे भागना है, रनर के हो गए ग्रास, स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट स्टोलोन, स्टोलोन से याद आ जाएगा, स्टोल मतलब चुराया, चुराया क्या, चुराया मिंट यानी पुदीना, चुराया किसने, चुराया जैस्मिन ने, तो जैस्मिन ने पुदीना चुराया, जैस्मिन मिंट स्टोलोन, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है देखो बनाना शेक बना देना है ना, क्या करो बनाना शेक बना दो। अब हमें पता है बनाना शेक जो होता है वो पीने की चीज होता है, वो चबाने की चीज नहीं होता, बनाना शेक से याद आया बनाना है ना, और पीने की चीज से याद आया पाइनएप्पल, और वो चबाने की मतलब क्राइसेंथिमम, C4 चबाना, C4 क्राइसेंथिमम है ना, उसको हम चबा नहीं सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉ से है ना, वो होती है ना स्ट्रॉ से सक करना पड़ेगा, बनाना शेक पीने की चीज नहीं है, चबाने की चीज है, तो उसको स्ट्रॉ से सक करना पड़ेगा ठीक है। नेक्स्ट है ऑफसेट, ऑफसेट तो आप सिंपली आईशोरनिया तो सबने देखा ही होता है, और पिस्टिया भी आप एक बार गूगल पे भर के देखना। देखो ऑफसेट में क्या होती है, रोजेट हैबिट होती है, रोजेट हैबिट सिंपली क्या होता है, आपने रोज देखा है, रोज का फ्लावर, तो उसमें पेटल्स देखे अपने झुंड में गुच्छे में होती है, कुछ इस तरीके से होता है ऑफसेट में ठीक है। चीजें क्या होंगी, झुंड में या गुच्छे में प्रेजेंट होगी, आप गूगल पे इनकी इमेज भर के देखना, आपको खुद ही ये याद हो जाएगा ठीक है। अब देखो ऑफसेट बिल्कुल क्लियर है, डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और रनर भी आप देखोगे इसकी भी डेफिनेशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बट एनसीईआरटी में हम जब देखते हैं तो स्टोलोन और सक्कर की डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो इनकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, स्टोलोन और सक्कर को। देखो स्टोलोन में क्या होता है, ये है अपनी मेन एक्सिस, रेड कलर वाली है अपनी मेन एक्सिस, ये क्या है देखो हवा में है, हवा से ऐसे 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 जमीन पे आई, तो जमीन पे आते ही क्या किया इसने, ब्रांच को यहां पे राइज है ना, ब्रांच का जन्म दे दिया ठीक है।
ठीक है। अब फिर से ये ब्रांच को यहां पे जन्म दे के फिर से हवा में चली गई और फिर से जमीन पे टच किया तो एक और ब्रांच को जन्म दे दिया और ये फिर से हवा में चली गई, फिर से जमीन पे आई, फिर से ब्रांच को जन्म दे दिया। तो कुछ इस तरीके से है स्टोलोन। अब पढ़ के देखना, मजा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शक्कर। शक्कर में क्या है, ये है रेड कलर वाली अपनी मेन एक्सिस। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन में जो आपको ध्यान रखना वो ये है कि अंडरग्राउंड, देखो ये ब्लू कलर वाली अपनी जमीन है, ये है ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड से नीचे ही इसमें ब्रांच निकल जाती है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये है अपनी मेन एक्सिस और शक्कर में क्या होता है, मेन एक्सिस से ग्राउंड के नीचे ही क्या है, ब्रांच का जन्म हो जाता है। अब ये ब्रांच ग्रो 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 करके जमीन से बाहर आएंगी और अपना आगे ग्रो करती रहेंगी, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब लास्ट में आता है एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, टेंड्रिल्स हो सकते हैं, इसमें थॉर्न्स हो सकते हैं, इसमें फाइलोक्लेट हो सकते हैं, ठीक है। अब टेंड्रिल्स बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, सबने ककंबर, खीरा, पंपकिन, कद्दू, वाटरमेलन, तरबूज, ग्रेप वाइंस, अंगूर, इन सब की आपने देखा होगी इनकी बेल होती है ना, बेल होती है, इनके कोई पेड़ नहीं होते, इनकी बेल होती है, तो उनमें टेंड्रिल्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। और थॉर्न्स, साइट्रस हो गया, बोगनविलिया हो गया, साइट्रस क्या है, नींबू का पेड़ लगा लो, उसमें कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, तो ये भी कोई याद करने वाली बात नहीं है। बोगनविलिया अगर आपने नहीं देखा, वैसे तो देखा ही होगा सबने, पर नहीं देखा तो आप गूगल पे भर के देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि आपने एक्चुअली देखा हुआ है, और इसमें भी कांटे प्रेजेंट होते हैं। और फाइलोक्लेट, वैसे फाइलोक्लेट जो वर्ड है वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, पर फिर भी आपको ये याद रखना है। फाइलोक्लेट में क्या आते हैं, देखो इसमें क्या होता है, स्टेम, हम क्या कर रहे हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है, पी फॉर फाइलोक्लेट, पी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या है, स्टेम फोटोसिंथेसिस करेगी और किसमें होगा, अपंशिया में एंड यूफोरबिया में। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि जो ओपेंशिया होता है वो फ्लैट होता है और यूफोरबिया होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूं, यू, यू मतलब यू घूम गया मतलब ये सिलिंड्रिकल है और ओपेंशिया क्या है, फ्लैट है, ठीक है। यू घूम गया मतलब वो सिलिंड्रिकल है, ओपेंशिया फ्लैट है, ये एनसीईआरटी में इसको भूलना नहीं है। स्टेम के बाद हमारा टॉपिक है लीव्स, ठीक है, और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको ये टॉपिक पहले से ऑलरेडी आता है, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिंपली ये डायग्राम देखना है और हमारी एनसीईआरटी की एक एक लाइन खुद ब खुद अपने आप बनती चली जाएंगी, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, ये रेड कलर में है हमारे पास क्या है, स्टेम है, और स्टेम से निकली ये क्या निकली, एक लीफ निकली। अब लीफ के तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लीफ बेस क्या होगा, है ना। देखो जहां पे स्टेम और लीफ का ये कनेक्शन है ना, कनेक्शन, वहां पे होगा लीफ बेस, मतलब जहां से ये लीफ निकल रही है वो होगा लीफ बेस। और अब हमने ये प्रैक्टिकली आपने देखा भी होगा ना, ये पतली सी डंडी होती है, ये क्या है, पेटियोल, और ये ब्लेड जैसी स्ट्रक्चर क्या होती है, लेमिना होती है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जहां पे ये लीफ बेस है वहां से कुछ स्ट्रक्चर, उनका नाम होता है क्या, स्टाइप्यूल, स्टाइप्यूल ये अराइज हो सकते हैं, है ना, सब में प्रेजेंट नहीं होते, कुछ प्लांट्स में हो सकते हैं स्टाइप्यूल, ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब लीफ बेस का तो फंक्शन हमको समझ में आ गया कि ये क्या करेगा, ये पूरी लीव को इस स्टेम से कनेक्ट कर रहा है, लीफ बेस का तो यही फंक्शन है। और पेटियोल का क्या फंक्शन होता है, देखो इसका फंक्शन देखने से ही पता लग रहा है कि ये लीफ की मूवमेंट कराएगा, जैसे हवा चलेगी लीव इधर उधर हिल सकती है, तो उससे क्या होगा, फायदा क्या होगा, हवा जब लगेगी इसको लेमिना को तो लेमिना का कूलिंग होगी, लेमिना की कूलिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट है लेमिना। अब लेमिना में तो क्या होते हैं, वेन्स होती हैं और वेनलेट्स होती है। देखो अब यहां पे एनसीईआरटी में एक क्लियर लाइन लिखी हुई है और ये भी प्रैक्टिकल है, आपने पत्ते में देखा है, किसी भी लीव उठा के देख लेना, जो ये बीच वाली जो ये होती है ना वेन होती है, ये थोड़ी मोटी होती है ना, ये बीच वाली जो वेन होती है ये थोड़ी मोटी होती है, तो इसको बोलते हैं क्या, मिड रिब, इसको बोलते हैं एक तरह से रीढ़ की हड्डी होती है, मिड रिब, ठीक है। और ये है अपनी वेन्स और वेनलेट्स, ऐसे पूरा नेटवर्क फैला होता है, और ये वेन्स और वेनलेट्स जो पूरे इसमें लेमिना में फैली हुई है, इनका फंक्शन क्या है, एक तरह से ये पाइपलाइन सिस्टम है ना, पाइपलाइन सिस्टम की वाटर और फूड पूरे पत्ते में जगह जगह पे ये प्रोवाइड करा के आएंगे ना, एक तरह से पाइपलाइन सिस्टम है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती है, एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है, वो क्या दी हुई है, देखो मोनोकोट्स में क्या होता है, ये लीफ बेस जो है ना, ये लीफ बेस ये क्या होता है, ये एक्सपेंड कर जाता है, मोनोकोट्स में लीफ बेस जो होता है वो एक्सपेंड कर जाता है, और वो इतना एक्सपेंड कर जाता है कि वो स्टेम को कवर कर लेता है, या तो पार्शियली कवर कर लेगा या पूरा ही कवर कर लेगा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और लीफ बेस के बारे में चीज दी हुई है, पुलवाइनस बेस होता है, एक पुलवाइनस, ये क्या होता है, देखो ये जो लीफ बेस है ना, अगर ये स्वेल कर जाए, अगर ये स्वेल कर जाए तो क्या बोलते हैं, पुलवाइनस बेस, ठीक है, स्वॉलन लीफ बेस, और ये किसमें होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है।
अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है विनेशन। अब नाम से ही पता लग रहा है विनेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लेमिना ऑफ लीफ, है ना। मतलब जो लीफ का लेमिना है उसमें वेन्स और वेनलेट्स की अरेंजमेंट किस तरीके की होगी, ठीक है। तो ये दो टाइप की होती है, एक है रेटिकुलेट विनेशन, एक है पैरेलल विनेशन। रेटिकुलेट तो सिंपल है कि वेन्स और वेनलेट्स जब एक नेटवर्क बना दें, लीफ के अंदर एक नेटवर्क सा बना दें, तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट। और पैरेलल किसको बोलते हैं कि वेन्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भाग रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल भाग रही हैं, तो ये पैरेलल, ठीक है। रेटिकुलेट विनेशन नॉर्मली जनरली डाइकोट्स में प्रेजेंट होती है और पैरेलल मोनोकोट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब विनेशन के बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक है। कौन से दो टाइप की होती है, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव, ठीक है। सिंपल लीव तो बिल्कुल सिंपल ऐसे जो हमने रेटिकुलेट में ही ड्रॉ की थी, बिल्कुल सिंपल ऐसे। और कंपाउंड अब दो टाइप की हो सकती है, पिनेट कंपाउंड या पामेट कंपाउंड, ठीक है। पिनेट कंपाउंड का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है नीम, और पामेट का एग्जांपल दिया हुआ है सिल्क कॉटन। अब पिनेट कैसी होती है, पामेट कैसी होती है, मेरे ख्याल से आप देख के ही इसको डायग्राम देख के आप समझ जाओगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। पिनेट में छोटी 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 लीफलेट्स निकली हुई है और पामेट तो जैसे एक पॉइंट से बहुत सारी लीव्स निकल गई, ठीक है। नेक्स्ट है फाइलोटैक्सी। देखो फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है, फाइलो का मतलब लीव्स और टैक्सी, टैक्सोनॉमी में करते हैं ना अरेंजमेंट, फाइलो का मतलब लीव्स और टैक्सी का मतलब अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट of leaves, कहां पे स्टेम के ऊपर, स्टेम के ऊपर लीव्स की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी बोलते हैं। अब ये तीन टाइप की हो सकती है, ऑपोजिट, अल्टरनेट, वर्ल्ड, ठीक है। अब इनके नाम से ही हो जाएगा, ऑपोजिट देखो ये लीव है, इसके ठीक ऑपोजिट दूसरी है, इसके ठीक ऑपोजिट दूसरी है, इसके ठीक ऑपोजिट दूसरी है। और अल्टरनेट में क्या आएगा, अल्टरनेट पोजीशन पे आएगी, यहां पे आई, यहां पे फिर अल्टरनेट, फिर अल्टरनेट, फिर अल्टरनेट, फिर अल्टरनेट, ठीक है। और वर्ल्ड तो नाम से ही पता लग रहा है, एक जगह पे ऐसे वर्ल सा बन जाएगा, एक पॉइंट पे ऐसे वर्ल सा बन जाएगा, ठीक है। अब इनके जो एग्जांपल दिए हुए हैं उनको कैसे याद करें, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है ना। देखो हमारे पास तीन टाइप की फाइलोटैक्सी थी, एक अल्टरनेट, एक ऑपोजिट और एक वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे पहली ट्रिक है, देखो हमें पता है चाइना जो है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाता है, मतलब जो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसका एक सस्ता अल्टरनेट बना देता है, एक डुप्लीकेट, ठीक है। तो चाइना मेड सस्ते अल्टरनेट्स, ठीक है, चाइना से चाइना रोज, मेड से मस्टर्ड, सस्ते से सनफ्लावर और अल्टरनेट से अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट है देखो, आप जब डीएनए पढ़ते हो ए टी जी सी, तो जी के ऑपोजिट क्या होता है, सी होता है, जी के ऑपोजिट सी, है ना। ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, और जी से गवावा और सी से कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट है व्हील ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का व्हील, है ना। आपने देखा एरोप्लेन्स में क्या होता है, जो व्हील होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक है। व्हील से वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड फाइलोटैक्सी किसमें होते हैं, एल्यूमिनियम से याद आ जाएगा, एल्स्टोनिया में होती है, ठीक है। अब लीव्स में लास्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ठीक है। अब देखो लीव्स चार काम करने के लिए मॉडिफाई हो सकती है, पहला क्लाइंबिंग करने के लिए, दूसरा डिफेंस के लिए, तीसरा फूड स्टोरेज के लिए, और चौथा इंसेक्टिवोरस यानी इंसेक्ट्स को खाने के लिए। तो पहला है क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग में क्या आएंगे, टेंड्रिल्स आएंगे, और टेंड्रिल्स का एग्जाम्पल है पीज है, मटर, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने प्रैक्टिकली भी देखा है, चलो मटर है, ये मटर का पौधा है और उसको इस स्केच के ऊपर क्लाइंब करना है, तो वो क्या करेगा, टेंड्रिल्स बना लेगा, इसके अराउंड घूमता जाएगा, घूमता जाएगा ना, और ऐसे ग्रो करता जाएगा, है ना। ये हमने प्रैक्टिकली देखा भी है एग्जांपल। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, हमने टेंड्रिल्स स्टेम में भी किए थे, स्टेम टेंड्रिल्स अलग बात होती हैं और लीव के टेंड्रिल अलग बात होती हैं। यहां पे याद रखना है कि टेंड्रिल्स जो लीव्स वाला है उसका एग्जांपल है पीज, मटर, बिल्कुल क्लियर रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस, डिफेंस के लिए क्या आ जाएंगे, स्पाइंस आ जाएंगे, नाम से पता लग रहा है डिफेंस, मतलब वो छोटे छोटे कांटे से बना लेगा जैसे कैक्टस में होता है। अब फिर से एक कंफ्यूजन हो सकती है, देखो हमने थॉर्न्स किए थे, थॉर्न्स है ना, वो कहां पे थे, स्टेम में थे, और स्पाइंस कहां पे हैं, लीव्स में है, लीव्स की जो मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये किसमें होते हैं, कैक्टस, ये भी याद नहीं करना, कैक्टस सबको पता ही है, उस पे कांटे से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज में क्या है, फ्लैशी लीव्स होती है, फ्लैशी लीव्स, है ना। आपने प्याज देखा होगा, प्याज देखा है, उसमें क्या होती है, आप प्याज जब छीलते हो तो वो लीव्स ही उतरती है, पत्तियां सी उसकी उतरती जाती है, तो वो लीव्स ही होती है, फ्लैशी लीव, जो फूड स्टोरेज का काम करती है। और इसका एग्जांपल है गार्लिक, अनियन जनरली क्या है, गार्लिक के साथ ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस, की इंसेक्ट्स को खाने के लिए, इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं। और ये इसमें क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखे हैं, पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट। फ्लावर के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में। देखो इतना सा ही एनसीईआरटी में बस दिया हुआ है। देखो इनफ्लोरेसेंस होता क्या है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, बिल्कुल
सिंपल है। अब ये दो टाइप की होती है, रेस्मोस और साइमोस। अब रेस्मोस में कैसा ऑर्डर होता है, एक्रोपेटल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और साइमोस में फ्लावर बेसिपेटल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अब ये क्या है देखो, इसको सिंपल आप इनमें कंफ्यूज मत होना, मैं ट्रिक भी बता दूंगा इसको याद करने की। देखो A4 एक्रोपेटल, A4 आगे बढ़ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, A4 एक्रोपेटल, A4 आगे बढ़ना, मतलब रेस्मोस इनफ्लोरिसेंस में क्या होगी, जो मेन एक्सिस होगी वो आगे बढ़ती जाएगी, मेन एक्सिस, ठीक है। जो पुराने फ्लावर है वो नीचे है, फिर उससे नए, फिर उससे नए, फिर उससे नए, ऐसे मेन एक्सिस आगे बढ़ती जाएगी। और साइमोस में बेसिपेटल इसके ऑपोजिट हो जाएगा कि जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर में जाके टर्मिनेट हो जाएगी ना, ये सबसे ओल्ड फ्लावर, फिर ये नए फ्लावर जो है ये नीचे आ रहे हैं ना, ये फ्लावर बन गया और यहां पे ये खत्म होगी मेन एक्सिस, बिल्कुल सिंपल है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लावर के साथ, ठीक है। देखो मैं अपनी एक बात फिर से रिपीट करता हूं कि अगर आप किसी भी टॉपिक की डिवीजन अच्छी कर लेते हो तो समझ लो आपका 50% काम वहीं खत्म हो गया। तो इसी टाइप की डिवीजन करेंगे कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन भी कवर हो और चीजें बिल्कुल साफ साफ क्लियर समझ भी आए, ठीक है। देखो अगर हम किसी फ्लावर की बात करें तो एक फ्लावर में चार वर्ल्स होते हैं, चार वर्ल्स होते हैं। अब ये वर्ल क्या होता है देखो, इससे समझो, ये एक गुलदस्ते में से मैंने ऐसे काट दिया, ये जो है ये मान लो है x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ठीक है। तो ये अकेला जब है तो ये है x, और ये ऐसे अरेंजमेंट, ये ऐसे अरेंजमेंट में प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, x का वर्ल। ये पूरा क्या हो जाएगा, इस पूरे ग्रीन पार्ट को मिला के क्या बोल देंगे, x का वर्ल, बिल्कुल क्लियर है ये बात। तो ये होता है वर्ल। अब किसी फ्लावर में चार वर्ल प्रेजेंट होते हैं, दो कैसे होते हैं एक्सेसरी वर्ल्स और दो कैसे होते हैं रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। अब एक्सेसरी वर्ल्स में क्या आएगा, कैलाइक्स और कोरोला, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये पूरा ग्रीन पार्ट एक वर्ल है, ये एक पूरा वर्ल है, और ये सिंगल को क्या बोलेंगे हम, एक्स, मतलब ये ग्रीन जो वर्ल है वो एक्स से मिलके बना है, ठीक है। ऐसे ही कैलाइक्स जो वर्ल है वो किससे मिलके बना है, सेपल्स से मिलके बना है, ठीक है। ऐसे ही कोरोला जो वर्ल है वो किससे मिलके बना है, वो पेटल से मिलके बना है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव वर्ल्स की बात करें तो दो आएंगे, एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम, ठीक है। अब एंड्रोइशियम किससे मिलके बना है, स्टैमन से मिलके बना है, और गाइनोइशियम किससे मिलके बना है, कार्पल से मिलके बना है, ठीक है। अब यहां पे एक छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता दूं कि एक वर्ड आता है पेडिसेल, देखो इसी से समझ लेते हैं, ये जो है ना ये है पेडिसेल, ये आगे थोड़ा सा और इसको बढ़ा लो चाहे, ये है पेडिसेल, और जो ये है जहां से ये वर्ल अटैच हो रहे हैं, ये है थोड़ा सा मोटा सा पार्ट, ये है थैलेमस, ठीक है। ये पेडिसेल, ये थैलेमस, और यहां पे अपने क्या आ जाएंगे, अपने ये फ्लावर के चार वर्ल आ जाएंगे, है ना। चार वर्ल कौन से, कैलाइक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम, है ना। एक एक चीज को आराम से रिपीट करते हुए चलेंगे, रिवाइज करते चलेंगे कि साथ में ही अपना याद करके जाएं, और कहां पे चीजें रिपीट कर रही हैं वो मेरे को अच्छे से पता है, ठीक है। और कैलाइक्स और कोरोला कैसे हैं, एक्सेसरी वर्ल्स हैं, एंड्रोइशियम गाइनोइशियम रिप्रोडक्टिव वर्ल है, कैलाइक्स के मेंबर क्या है, सेपल्स, कोरोला के मेंबर्स क्या है, पेटल्स, एंड्रोइशियम के स्टैमन्स, और गाइनोइशियम के कार्पल्स। एक एक बात क्लियर है, अब हम चलते हैं आगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेरियंथ। ये पेरियंथ क्या होता है, देखो हमने कैलाइक्स किया, हमने कोरोला किया, अलग अलग होते हैं, ठीक है। पर जैसे कुछ फ्लावर, जैसे कि लिली में क्या होता है कि कैलाइक्स और कोरोला के बीच में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कैलाइक्स है कौन सा कोरोला है ना, तो उसके लिए दोनों के लिए कौन सी टर्म यूज कर देते हैं, पेरियंथ हम यूज कर देते हैं। किसमें होता है, लिलियेसी फैमिली में होता है लिली फ्लावर्स। अब नेक्स्ट देखो, मैंने फ्लावर्स की ऐसी डिवीजन करी है कि अपनी एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड इसमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। देखो फ्लावर्स को डिवाइड किया गया सेक्स के बेस पे, कौन से हो जाएंगे, यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल। फ्लावर्स को डिवाइड किया गया सिमिट्री के बेस पे, रेडियल सिमिट्री कौन से हो जाएंगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, और बायलेटरल सिमिट्री कौन से, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, और तीसरे क्या, एसिमिट्रिकल, जिसमें कोई सिमिट्री ही नहीं है, ठीक है। फ्लावर्स को डिवाइड किया गया फ्लोरल अपेंडेजेस के बेस पे, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये आगे बात कर लेंगे, टेंशन मत लो, इनके बारे में आगे बात कर लेंगे। फ्लावर्स को डिवाइड किया गया ब्रैक्ट के बेस पे, ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट। फ्लावर्स को डिवाइड किया गया ओवरी की पोजीशन के बेस पे, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। टेंशन मत लो बिल्कुल भी, अब हम एक-एक पे बात करने वाले हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ, सेक्स के बेस पे क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बायसेक्सुअल फ्लावर। देखो फर्स्ट क्या है, बायसेक्सुअल
बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो नाम से ही पता लग रहा है, बायसेक्सुअल, बाय मतलब दोनों, मतलब फीमेल पार्ट यानी गाइनोइशियम और मेल पार्ट यानी एंड्रोइशियम, दोनों क्या होंगे, एक ही फ्लावर में होंगे, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनि मतलब एक, मतलब गाइनोइशियम मतलब फीमेल फ्लावर अलग होगा और एंड्रोइशियम यानी मेल फ्लावर अलग होगा। ये तो नाम से ही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपनी उस पे चलते हैं, सिमिट्री के बेस पे, सिमिट्री के बेस पे। देखो रेडियल सिमिट्री जिसमें होंगी वो कैसे होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, और बाइलेटरल सिमिट्री जिसमें होंगी वो होंगे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, और जिनमें सिमिट्री अब्सेंट होगी वो होंगे एसिमेट्रिकल। और इनके एग्जांपल एनसीईआरटी में क्लियरली लिखे हुए, एक्टिनोमॉर्फिक कौन से, मस्टर्ड, दतूरा, चिली, जाइगोमॉर्फिक कौन से, पी बीन, गुलमोहर, केशिया, और एसिमेट्रिकल कौन से, कैना, एसिमेट्रिकल कौन से, कैना, ठीक है। अब देखो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ये क्या है, देखो ट्राई, ट्राई मतलब तीन, मतलब जहां पे चीजें तीन या तीन के मल्टीपल होंगी, टेट्रा मतलब चार, मतलब जहां पे चीजें चार या चार के मल्टीपल होंगी, पेंटा मतलब पांच, मतलब जहां पे चीजें पांच या पांच के मल्टीपल होंगी। अब देखो इसको ऐसे समझते हैं, मान लो मैं हूं, मेरे तीन हाथ हो जाएं, तीन पैर हो जाएं, और तीन का मल्टीपल ही ले लो, मेरी छह आंखें हो जाएं, छह कान हो जाएं, तो मैं क्या हो जाऊंगा, ट्राइमेरस हो जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मान लो आप हो, आपके चार हाथ हो जाएं और चार का मल्टीपल यानी आठ आपके पैर हो जाएं, है ना, और आपके 16 आपकी आंखें हो जाएं, तो आप क्या हो जाओगे, टेट्रामेरस, ऐसे ही पेंटामेरस, ठीक है। ये तो मैंने एग्जांपल दिया, हमारे हाथ पैर ये हमारे पार्ट हैं, ठीक है। और प्लांट में क्या हो जाएंगे, वही सेपल्स पेटल्स, है ना, सेपल्स पेटल्स को बस हाथ पैर से रिप्लेस कर देना, इतनी सी बात है बस। नेक्स्ट है फ्लावर, क्या किया था हमने, ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। सबसे पहले ये देख लेते कि ये ब्रैक्ट क्या होता है, ब्रैक्ट क्या होता है। देखो ब्रैक्ट होता है रिड्यूस्ड लीफ एट द बेस ऑफ पेडिसल, पेडिसल हमने किया था ना, पेडिसल और थैलेमस क्या होता है, ठीक है। मैं ब्रैक्ट की डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कि ब्रैक्ट क्या होता है, रिड्यूस्ड लीफ एट द बेस ऑफ पेडिसल, ठीक है। अब जिस फ्लावर में ये ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा ब्रैक्टिएट फ्लावर, और जिस फ्लावर में ये ब्रैक्ट अब्सेंट होगा वो हो जाएगा ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, फ्लावर हाइपोगाइनस भी हो सकता है, फ्लावर पेरीगाइनस भी हो सकता है, फ्लावर एपीगाइनस भी हो सकता है। इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। देखो हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, गाइनस मतलब गाइनोइशियम, मतलब बाकी के जो फ्लावर के पार्ट्स होंगे वो गाइनोइशियम के नीचे होंगे, गाइनोइशियम के नीचे, मतलब गाइनोइशियम क्या होगी, ऊपर होगी। तो इसमें ओवरी कैसी हो जाएगी, सुपीरियर, क्योंकि गाइनोइशियम ऊपर है, तो ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर होगी, है ना, रिवर्स करना है कहीं ना कहीं, यहां पे हाइपो दिखे तो ओवरी को सुपीरियर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है पेरीगाइनस, पेरी मतलब एट द सेम लेवल, और गाइनस मतलब गाइनोइशियम, मतलब बाकी के फ्लावर के पार्ट और गाइनोइशियम लगभग सेम लेवल पे होंगे, तो इसमें ओवरी कैसी होगी, हाफ इंफीरियर। नेक्स्ट है एपीगाइनस, एपी मतलब ऊपर, गाइनस मतलब गाइनोइशियम, मतलब बाकी के जो फ्लावर के पार्ट होंगे वो गाइनोइशियम के ऊपर होंगे, और इसमें तो क्या होता है, थैलेमस है ना, पूरा गाइनोइशियम को एनक्लोज्ड कर लेता है, ठीक है। और इसमें फिर देखो एपी बाकी के ऊपर है, तो क्या है, ओवरी अपनी नीचे हो गई, तो ओवरी नीचे है तो इंफीरियर हो जाएगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, इनको ऑपोजिट करके पढ़ना, कि यहां पे हाइपो आ रहा है तो ओवरी सुपीरियर, यहां पे एपी आ रहा है तो ओवरी इंफीरियर, ठीक है। अब नेक्स्ट मेन टास्क आता है इनके एग्जांपल्स को याद करना। देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, किसी भी क्लास में तीन टाइप के स्टूडेंट होते हैं, तीन टाइप के, सुपीरियर स्टूडेंट जो हमेशा 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, है ना, और एक होते हैं हाफ इंफीरियर जो सिर्फ पेपरों के टाइम पढ़ते हैं, जो सिर्फ पेपरों के टाइम पढ़ते हैं, बाकी टाइम मस्ती करते हैं, और एक होते हैं इंफीरियर मेरे जैसे, है ना, जो कुछ भी हो जाए वो पढ़ते ही नहीं है, कुछ भी पेपर आ जाए, एग्जाम आ जाए, कुछ भी हो जाए वो पढ़ते ही नहीं है, वो होंगे इंफीरियर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इंफीरियर स्टूडेंट हमें पता है जो स्कूल में कभी नहीं पढ़ते, जो स्कूल में नालायक होते हैं, वो आगे जाके क्या होते हैं, गेम चेंजर होते हैं, वो आगे जाके कुछ बड़ा करते हैं, वो गेम चेंजर होते हैं, और सुपीरियर तो आपको पता ही है, धक्के खाते हैं, है ना। देखो अब देखो हमने क्या किया था, सुपीरियर, सुपीरियर कौन से, जो 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, मतलब सुपीरियर बच्चों की मस्ती भी रोज बुक्स के साथ होती है, सुपीरियर बच्चों की मस्ती भी रोज बुक्स के साथ होती है, मतलब जो सुपीरियर ओवरी वाले केस में, मतलब सुपीरियर मतलब हाइपोगाइनस के केस में एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड है, चाइना रोज है और ब्रिंजल है ना, मस्ती से मस्टर्ड, रोज से चाइना रोज और बुक्स से ब्रिंजल। नेक्स्ट है हाफ इंफीरियर, जो कभी कभी जब से एग्जाम आ गए पेपरों में पढ़ते हैं, पेपर यानी वो पेपरों में पढ़ते हैं, पी से प्लम, पी से पीच, आर से रोज, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहां भी रोज है, यहां भी रोज है, तो सिंपल सी बात है, जो नाम बड़ा है, जैसे चाइना रोज बड़ा नाम है, तो उसको सुपीरियर में डाल दो, सुपीरियर है मतलब बड़ा नाम है। नेक्स्ट है इनफीरियर स्टूडेंट्स आर गेम चेंजर, ठीक है, इनफीरियर स्टूडेंट्स आर गेम चेंजर, ठीक है, स्टूडेंट से सनफ्लावर, गेम से गवावा और चेंजर से ककंबर, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे, पहले कैलाइक्स पे, फिर कोरोला पे, फिर एंड्रोइशियम पे, फिर गाइनोइशियम पे। अब जो भी एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है इस चार्ट में, इस फ्लो चार्ट में पूरा आपका कवर हो गया। देखो सबसे पहली बात, कैलाइक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट वॉल होता है, आउटर मोस्ट वॉल होता है, ठीक है। और कैलाइक्स कैसा होता है, ग्रीन होता है, लीफ लाइक होता है और प्रोटेक्शन करता है। देखो ये हमने जो किया था ना, ये ग्रीन पार्ट, ये क्या है, कैलाइक्स है, ये ग्रीन है, लीफ लाइक है ना, लीफ लाइक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, बड स्टेज में प्रोटेक्शन करना, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और हमने ये बात तो कर ही ली थी कि कैलाइक्स मेड ऑफ सेपल्स, सेपल्स से मिलके कैलाइक्स बना होता है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ये सेपल्स अगर यूनाइटेड मतलब जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन को क्या बोल देंगे, गेमोसेपल्स। और ये सेपल्स अगर एक दूसरे से फ्री हैं, आजाद हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, पॉलीसेपल्स। बिल्कुल इसके तरह ही, बिल्कुल इसके सेम, इसकी तरह हम करेंगे कोरोला, है ना। कोरोला क्या होता है, ब्राइटली कलर्ड। देखो ये है ना, जो ये है क्या, अपना कोरोला, ब्राइटली कलर्ड, है ना। फ्लावर देखे ना अपने, कोई रेड होते हैं, कोई येलो होते हैं, कोई ब्लू होते हैं, तो वो होता है कोरोला। और इनका ब्राइट कलर क्यों होता है, कॉमन सेंस की बात है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ये प्लांट की पोलिनेशन हो जाए, ठीक है। अब देखो कोरोला किससे मिलके बना होता है, पेटल से मिलके बना होता है, ये बात हम कर चुके हैं। अब ये पेटल्स अगर जुड़े हुए हैं तो कंडीशन हो जाएगी गेमोपेटलस, और ये पेटल्स एक दूसरे से फ्री हैं, आजाद हैं, तो कंडीशन हो जाएगी पॉलीपेटलस, ठीक है। अब देखो हम कैलाइक्स कर चुके हैं, हम कोरोला कर चुके हैं, अब नेक्स्ट आता है एस्टिवेशन। नेक्स्ट है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू अदर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, इन सेम वॉल। मतलब क्या है कि मान लो कैलाइक्स है, अब कैलाइक्स में क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं, अब सेपल्स की आपस में कैसी अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन, ठीक है। तो ये कितने टाइप की हो सकती है, मेनली आपको यही याद रखनी है, बस ये एनसीईआरटी के ही डायग्राम है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, वेलवेट में क्या है, देखो सिंपल है, डायग्राम देखने से ही पता लग रहा है, एक दूसरे को कोई भी, ये मान लो सेपल्स हैं, एक दूसरे को कोई भी सेपल ओवरलैप नहीं कर रहा, ओवरलैप नहीं कर रहा। नेक्स्ट आते हैं ट्विस्टेड पे, देखो ये आया एक सेपल, फिर दूसरे ने इसको ओवरलैप कर दिया, फिर अगले ने उसको ओवरलैप कर दिया, फिर अगले ने उसको ओवरलैप कर दिया, मतलब एक मैनर में एक दूसरे को ओवरलैप करते जा रहे हैं, ठीक है। और अगर इम्ब्रिकेट में बात करें तो इसमें भी ओवरलैपिंग तो हो रही है, पर एक डायरेक्शन में नहीं हो रही, जैसे इसमें एक डायरेक्शन थी कि इसने ओवरलैप किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, पर इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई भी किसी को कहीं भी ओवरलैप कर रहा है इम्ब्रिकेट में, ठीक है। और वेक्सिलरी कुछ इस तरीके का होता है, इसके पार्ट सुन लो, देखो ये है वेक्सिलम, ये ऊपर क्या है, वेक्सिलम, और ये क्या है, विंग्स, ये दो क्या है, विंग्स, और नीचे क्या होता है, कील और कराइना। मैं रिपीट कर देता हूं, ये है वेक्सिलम, ये है विंग्स, और ये है कील और कराइना, ठीक है। अब यहां मेन टास्क आता है एस्टिवेशन के एग्जांपल्स को याद करना। देखो अपने पास एस्टिवेशन कितने टाइप की आई, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। अब इनके एग्जांपल्स को कैसे याद करें, सबसे पहले वेलवेट, देखो वेलवेट जो वर्ड है उसमें एल्यूमिनियम आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, तो इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में क्या है, कैलोट्रोपिस, तो कैलोट्रोपिस में भी क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, सीधा सीधा याद हो गया, ठीक है। अब यहां पे आप बोल सकते हो कि ब्रिंजल में भी तो एल्यूमिनियम आ रहा है, तो उसका क्या करेंगे, तो टेंशन मत लो, ब्रिंजल भी वेलवेट में ही आता है, आपका ये कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है देखो चाइनीज भिंडी, चाइनीज भिंडी जो होती है वो सॉफ्ट एंड ट्विस्टेड होती है, चाइनीज भिंडी जो होती हैं वो सॉफ्ट एंड ट्विस्टेड होती है। चाइनीज से आया चाइना रोज भिंडी यानी लेडी फिंगर, सॉफ्ट से याद आ जाएगा कॉटन, और ट्विस्टेड से ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या आएंगे, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। अब देखो आप कॉलेज में पढ़ोगे, है ना, आप आगे जाके कॉलेज में पढ़ोगे और आप कॉलेज में पॉपुलर हो जाओगे, तो आप खुद को क्या बोलोगे, आई एम ए कॉलेज गाय एंड आई एम ए वेरी पॉपुलर, ठीक है, आई एम ए कॉलेज गाय एंड आई एम वेरी पॉपुलर, आई एम कॉलेज गाय, आई एम से याद आएगा इम्ब्रिकेट, कॉलेज से याद आया केजिया, गाय से गुलमोहर, और वेरी पॉपुलर से वेक्सिलरी, और पॉपुलर से पेपिलिनियोसी फैमिली, मतलब वेक्सिलरी जो एस्टिवेशन है वो किसमें होती है, पेपिलिनियोसी फैमिली में होती है। अब देखो फ्लावर में हम कैलाइक्स अपना कंप्लीट कर चुके हैं, कोरोला हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करेंगे एंड्रोइशियम, और एंड्रोइशियम के बाद क्या है, गाइनोइशियम, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं अपना एंड्रोइशियम। देखो हमने बात की थी एंड्रोइशियम क्या है, एक वर्ल है, एंड्रोइशियम एक रिप्रोडक्टिव वर्ल है ना, और वर्ल ये किससे मिलकर बना है, जो एंड्रोइशियम वर्ल है वो किससे मिलकर बना है, वो स्टैमन से मिलकर बना है, बिल्कुल ये बात क्लियर है। तो एक स्टैमन कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है कि एक डंडी सी
होगी फिर ऊपर से ऐसा गोला गोला सा लगा होगा ना इस टाइप का। तो ये जो डंडी सी है इसको बोलते हैं हम फिलामेंट, और जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, स्टैमन कुछ ऐसा होता है। स्टैमन में क्या होता है, जो ये लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है ये है फिलामेंट, और ऊपर वाली ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, ये है एंथर। ठीक है, अब एंथर कैसा होता है, एंथर बायलोब्ड होता है। वैसे एंथर के बारे में हम डिटेल में प्लस टू में वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है ना उसमें पढ़ते हैं, बाकी यहां पे इतनी सी लिखी हुई है तो यहां पे इतना देख लेते हैं। देखो एंथर कैसा होता है, बायलोब होता है, एक ये लोब हो गया और एक ये लोब हो गया। अब एक लोब के अंदर क्या होते हैं, दो क्या होते हैं, चैंबर होते हैं। एक लोब के अंदर दो चैंबर होते हैं, तो दो लोब के अंदर कितने हो गए, टोटल चार चैंबर हो गए, है ना। और इस चैंबर को क्या बोलते हैं, पोलन सैक बोलते हैं। पोलन सैक, पोलन सैक, पोलन सैक, पोलन सैक, नाम से ही पता लग रहा है, सैक मतलब एक थैला सा है कि इसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं ना, इसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखो एक यहां पे वर्ड आता है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्टेमिनोड। स्टेमिनोड क्या होता है, स्टेराइल स्टैमन। ठीक है, अब देखो नॉर्मल कंडीशन क्या है, नॉर्मल एंथर मतलब रिप्रोडक्टिव एंथर क्या है कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनने चाहिए। पर ऐसा एंथर, ऐसा एंथर या बोल लो ऐसा स्टैमन, ऐसा स्टैमन जिसमें पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन ना हो, तो वो कैसा हो जाएगा, स्टेराइल स्टैमन हो जाएगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट अपना क्लियर है। ठीक है, अब देखो जो ये स्टैमन होते हैं, स्टैमन हमने देखा ना ऐसा सा होता है कुछ, तो ये स्टैमन होते हैं, ये एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी तो हो सकते हैं। तो बहुत सारे जब होते हैं तो या तो वो यूनाइट मतलब एक साथ रहेंगे या एक दूसरे से फ्री रहेंगे, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब एक दूसरे के साथ रहेंगे मतलब यूनाइट होके रहेंगे, तो यूनाइट होने के भी इधर तीन पॉसिबिलिटी है, तीन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या तो वो एक बंडल बना के रहेंगे, एक बंडल, वन बंडल मतलब मोनोडेल्फस। ठीक है, या वो क्या है, दो बंडल्स में रहेंगे, एक बंडल ये मतलब डायडेल्फस। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है कि दो से ज्यादा बंडल मतलब बहुत सारे बंडल्स बना के रहेंगे, तो उसको क्या बोल देंगे, नाम से ही पता लग रहा है, बहुत सारे मतलब पोली, पोलीडेल्फस। ठीक है, मोनोडेल्फस कंडीशन कहां पे, चाइना रोज में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये एग्जांपल। डायडेल्फस किस में है, पी में, और पोलीडेल्फस किस में, साइट्रस में, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो स्टैमन होते हैं, देखो ये एक स्टैमन है, ये एक स्टैमन है, ये एक स्टैमन है, ये बहुत सारे स्टैमन है। अब जरूरी थोड़ी है कि इन सब की लेंथ बिल्कुल इक्वल हो ना, हो सकता है किसी को लंबी हो सकता है कोई छोटा हो, कोई उससे लंबा, कोई उससे छोटा, मतलब इनकी जो लेंथ में वो है वेरिएशन है। ठीक है, और ये किस टाइप के प्लांट्स में पाई जाती है, साल्विया में, मस्टर्ड में। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे कि साल्विया और मस्टर्ड में क्या है, जो स्टैमन की लेंथ है या बोल लो कि फिलामेंट की लेंथ है, क्योंकि एंथर तो सेम ही रहेगा, फिलामेंट या स्टैमन की लेंथ में वेरिएशन पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो हमने बात की थी कि स्टैमन एक दूसरे के साथ यूनाइट हो सकते हैं, स्टैमन एक दूसरे के साथ यूनाइट हो सकते हैं, पर यहां पे और भी तो पॉसिबिलिटी है। अगर स्टैमन जो है वो पेटल के साथ यूनाइट हो जाए, या स्टैमन पेरियंथ के साथ यूनाइट हो जाए। अब पेटल क्या होते हैं, पेरियंथ क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके, तो एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कि अगर स्टैमन पेटल्स के साथ यूनाइट हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपिपेटलस। और ये किस में होती है, ब्रिंजल में होती है। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर स्टैमन पेरियंथ के साथ यूनाइट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एपिफिलस, है ना। और पेरियंथ किस में प्रेजेंट होता है, हमने ऑलरेडी कर भी लिया था, किस में, लिलियसी फैमिली में होता है, लिली में होता है, तो ये हो जाएगा लिली हो जाएगा अपना। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब अपना एंड्रोशियम क्लियर है, अब हम चलते हैं अपने गाइनोशियम की तरफ। ठीक है, गाइनोशियम की तरफ, जैसे एंड्रोशियम किससे मिलकर बना था, स्टैमन से मिलकर बना था, वैसे गाइनोशियम जो वर्ल है वो किससे मिलकर बना है, वो कार्पल से मिलकर बना है, वो कार्पल से मिलकर बना है। और कार्पल क्या होता है, हम कार्पल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसी से अपने को पूरा समझ आ जाएगा। ये है एक कार्पल, ये है एक कार्पल। अब कार्पल में तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गाइनोशियम हमारे पास एक रिप्रोडक्टिव वर्ल है, कैसा, फीमेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, और गाइनोशियम किससे मिलके बना है, कार्पल से मिलके बना है। अब एक कार्पल की हम यहां पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि एक कार्पल में तीन पार्ट हमें दिखाई दिए, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब स्टिग्मा अलग से ही दिख रहा है कि एक प्लेटफॉर्म जैसा है ना, ये देखो इसकी थोड़ी चौड़ाई ज्यादा है, ये एक प्लेटफॉर्म जैसा है। अब ये प्लेटफॉर्म किस काम आएगा, कि जब रिप्रोडक्शन होगी है ना, पोलन ग्रेन कहीं कहीं से उड़ के आएंगे तो ये उनको रिसीव करने के लिए है ना, एक तरह से हेलीपैड बनी हुई है कि हेलीकॉप्टर को रिसीव करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल क्या करेगी, स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करेगी, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरी। ओवरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको सबसे ध्यान से सुनना है। देखो जैसे मदर के अंदर बच्चा प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है ना, वैसा ही है कुछ यहां पे, है ना। ओव्यूल क्या है, बच्चा है, ओवरी क्या है, मां है, कुछ इस तरीके से समझो। ठीक है, ये देखो ये है प्लेसेंटा, रेड कलर में प्लेसेंटा है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, ये क्यूशन लाइक होती है, क्यूशन लाइक। ठीक है, और प्लेसेंटा क्या कनेक्ट करेगी, ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करेगी, बिल्कुल ठीक है,
बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, गाइनोशियम मिलके बना है कार्पल से, ठीक है, गाइनोशियम मिलके बना है कार्पल से। अब देखो जहां पे मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट होगे, देखो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक कार्पल प्रेजेंट हो, पर ऐसे भी तो प्लांट होंगे जहां पे मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट हो, तो क्या होगा, अब दो पॉसिबिलिटी फिर से बन गई, या तो ये फ्री हैं या फ्यूज्ड हैं, या एक दूसरे से फ्री हैं या अफ्यूज्ड हैं। अब देखो मैं आपको रिमाइंड करा दूं, यूनाइट होना और फ्यूज होना दो अलग चीजें हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, यूनाइट एक साथ रहना और एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाना अलग चीजें हैं। फ्यूज के लिए वर्ड यूज होता है सिन, सिन मतलब फ्यूज होना। तो मोर देन वन कार्पल्स हैं, या तो वो फ्री होंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एपोकार्पस, जो किसमें होगी, लोटस और रोज में, और फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज का मतलब सिन, सिन मतलब फ्यूज हो गए, कार्पस मतलब कार्पल्स, मतलब कार्पल्स जो हैं वो फ्यूज हो गए, ठीक है। कौन सी में होंगे, ये मस्टर्ड में होंगे, टोमेटो में होंगे। अब जो मिचेलिया और पेपेवर हैं वो अपने प्लस टू में आएंगे, वहीं पे मैं आपके कवर करा दूंगा, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लेजेंटेशन, ठीक है। प्लेजेंटेशन की डेफिनेशन में एनसीईआरटी वाली बोलने जा रहा हूं कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, हमने किया था ना ओव्यूल ये और ओवरी ये, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी, इसको क्या बोलते हैं, प्लेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास कितने टाइप की है, पांच टाइप की आ जाती है। क्या है, मार्जिनल, ये है मार्जिनल, ये है पेराइटल, ये है एक्साइल, ये है फ्री सेंट्रल और ये है बेसल, ठीक है। अब बिल्कुल भी इनको कुछ भी याद नहीं करना है, बिल्कुल इनके ये नाम से ही कवर हो जाएंगी। देखो ये ऐसे याद रखना इसको कि ये सिंगल एक मार्जिन है, ये एक रिज प्रेजेंट होगी और इसी पे ये ओव्यूल लगे हुए हैं ना, दोनों साइड भी हो सकते हैं, है ना, ये है। और पेराइटल नाम से ही कवर हो रहा है, देखो पेराइटल होता है बाहर वाला पेरिफेरल एरिया और विसरल होता है अंदर वाला एरिया, तो पेराइटल मतलब पेराइटल ये बाहर वाले एरिया पे क्या है, ये ओव्यूल लगे हैं, बिल्कुल क्लियर है। और एक्साइल को ऐसे याद रखना कि एक्साइल, एक्साइल में आ रहा है एक्स, तो ये एक्स जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, और इसमें क्या है, मल्टी लोक्यूलर ओवरी है ना, ये लिखा हुआ है अलग से, ठीक है। मल्टी लोक्यूलर तो देखने से ही पता लग रहा है, एक लोक्यूल, दो लोक्यूल, तीन लोक्यूल, बिल्कुल क्लियर है। और फ्री सेंट्रल तो देखने से ही पता लग रहा है, बिल्कुल सेंटर में फ्री पड़े हुए, कहीं से कनेक्टेड नहीं, सेंटर में फ्री पड़े हुए, बिल्कुल ठीक है। और देखो ये जो डिवीजन हुई है ना, ये सेप्टम से होती है, ये जो लाइन है ना, ये सेप्टम होता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। और ये है बेसल, इसको ऐसे याद रखना कि जैसे बेस में अटैच है पूरा ना, बेस में अटैच है, ये बेसल होती है, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स को कैसे याद करें, अब देखो प्लेजेंटेशन के एग्जांपल्स को कैसे याद करें, देखो हमारे पास प्लेजेंटेशन कौन सी थी, मार्जिनल थी, और कौन सी थी, पेराइटल थी, और कौन सी थी, फ्री सेंट्रल थी, और बेसल थी, और एक्साइल थी, ठीक है। देखो सबसे पहले मार्जिनल, एम फोर मार्जिनल, एम फोर मटर, एम फोर मार्जिनल, एम फोर मटर, मटर मतलब पी, तो मार्जिनल होगी पी में। नेक्स्ट है पेराइटल, देखो परिणीति और अर्जुन कपूर, परिणीति और अर्जुन कपूर की मूवी आई मस्ती जादे, परिणीति से पेराइटल, अर्जुन से अर्जी मोनी, मस्ती जादे से मस्टर्ड हो गया, तो पेराइटल किसमें, अर्जी मोनी और मस्टर्ड में। नेक्स्ट है पीडीएफ, फ्री सेंट्रल की क्या ट्रिक है, पीडीएफ सिंपल जो पीडीएफ फॉर्मेट होती है ना, पी से प्राइमरोज, डी से डायंथस, एफ से फ्री सेंट्रल। नेक्स्ट है बेसल, देखो इस पूरी दुनिया का बेस जो है, इस पूरी दुनिया का बेस जो है वो कौन बना रहे, सूरज और चांद, है ना, और तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, सब कुछ तो ऐसे ही है फालतू का, है ना, इस पूरी दुनिया का बेस कौन बना रहे हैं, सन एंड मून, सूरज और चांद, बेस से बेसल, सन से सनफ्लावर, और मून, एम फॉर मून, ये इससे आ जाएगा मैरीगोल्ड याद आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्साइल, एक्साइल किसमें होती है, साइट्रस में होती है, साइट्रस फ्रूट कौन से होते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो आपने नींबू काटा होगा, आपने ऑरेंज काटा होगा, तो कुछ इस तरीके का दिखता है, ऑरेंज जब आप काटते हो, नींबू काटते हो, तो कुछ इस तरीके का दिखता है, तो इसमें कुछ याद ही नहीं करना, ये ऑटोमेटिक है, कॉमन सेंस की बात है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉल्स सेप्टम, एनसीईआरटी में दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार लगा लेना। देखो मस्टर्ड और अर्जीमोनी में क्या होता है, नॉर्मली ओवरी क्या होती है, वन चैम्बर्ड होती है, वन चैम्बर्ड, पर क्या होता है उसमें, फॉल्स सेप्टम की फॉर्मेशन होती है। अब सेप्टम बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ओवरी टू चैम्बर्ड हो जाएगी, या बोलो टू चैम्बर्ड दिखाई देने लग जाएगी, तो यही होता है फॉल्स सेप्टम। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रूट। देखो फ्रूट के बारे में एनसीईआरटी में पहली लाइन लिखी है कि फ्रूट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये लाइन क्यों बोली गई, देखो एक होता है सीड, एक होता है फ्रूट। अब देखो सीड पहली बार किसमें आया था, जिम्नोस्पर्म में, बट जिम्नोस्पर्म में क्या है, जो फ्रूट है वो अब्सेंट होता है, और फ्रूट पहली बार किसमें आता है, एंजियोस्पर्म में, है ना, और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं अपने, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट, यानी सिर्फ
और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही फ्रूट प्रेजेंट होगा। क्लियर बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो फ्रूट होता क्या है, फ्रूट मैच्योर या राइपेंड ओवरी होते हैं। देखो ओवरी आगे जाके मैच्योर होके बना देती है फ्रूट, और जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल वो आगे जाके मैच्योर होके क्या बना देता है, सीड। ठीक है, ओवरी बनाएगी फ्रूट, ओव्यूल बनाता है सीड, बिल्कुल क्लियर रखेंगे। तो फ्रूट की डेफिनेशन में फिर से बोलने जा रहा हूं कि मैच्योर या राइपेंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हुई तो ओवरी का क्या बन गया, फ्रूट बन गया। अब देखो एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, मतलब ये फर्टिलाइजेशन अगर ना हो फिर भी अगर फ्रूट बन जाए तो उसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मतलब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो मैंने हर फ्लो चार्ट उसी तरीके से बनाया कि एनसीईआरटी की आपकी एक एक वर्ड एक एक लाइन बिल्कुल क्लियरली कवर हो जाए। ठीक है, देखो फ्रूट में क्या होता है, मान लो हमारे पास मैंगो है, मैंगो फ्रूट है। अब उसमें क्या होगा, उसमें सीड्स होंगे, है ना, मैंगो में क्या होते हैं, सीड होंगे, और बाकी का जो भी पार्ट बचा वो क्या होगा, उसकी वॉल, वॉल का दूसरा नाम है पेरिकार्प, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो जो पेरिकार्प है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया कि जो पेरिकार्प है वो ड्राई भी हो सकती है और वो फ्लैशी भी हो सकती है। अब नेक्स्ट ही लाइन में एनसीईआरटी में लिखा है कि जब जब पेरिकार्प फ्लैशी प्लस थिक हो, मैं रिपीट करने जा रहा हूं, पहली लाइन मैंने क्या बोली थी कि पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है और फ्लैशी भी हो सकती है। अब नेक्स्ट लाइन एनसीईआरटी में क्या है कि पेरिकार्प जब फ्लैशी भी हो और थिक भी हो तो क्या होता है, पेरिकार्प तीन पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाती है, एपिकार्प मतलब आउटर लेयर, मिजोकार्प मतलब मिडल लेयर, और एंडोकार्प मतलब इनर लेयर। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम दिया हुआ है किसका, मैंगो और कोकोनट का, और इसके बारे में एक पैरा में लिखा भी हुआ है ना। अब क्या लिखा हुआ है वो हम इसी डायग्राम से देख लेते। पहली लाइन यही लिखी हुई है कि मैंगो और कोकोनट में फ्रूट कैसा होता है, ड्रूप फ्रूट होता है, ड्रूप फ्रूट होता है। ठीक है, अब हमने बात की थी किसकी, कि ये बात की थी हमने कि पेरिकार्प जब फ्लैशी भी हो थिक भी हो तो तीन पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगी, एपिकार्प मीजोकार्प एंडोकार्प। अब मैंगो की बात कर लेते हैं, देखो मैंगो शेक बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, मैंगो शेक बनाना है। तो मैंगो शेक बनाते हुए जो हमने ऊपर का वो छिलका उतार दिया उसको हम बोलते हैं क्या, एपिकार्प बोलते हैं। ठीक है, अब मैंगो का जो पोर्शन हम खाते हैं उसको बोलते हैं मीजोकार्प। ठीक है, और अंदर क्या निकलती है, उसकी गुठली निकलती है, तो गुठली जो होती है वो हार्ड स्ट्रक्चर होती है, वो होती है एंडोकार्प होती है ना। और आप उस गुठली को तोड़ दोगे, यानी जब आप एंडोकार्प को तोड़ दोगे तो अंदर क्या निकलेंगे, सीड निकलेंगे, है ना, अंदर निकलेंगे सीड निकलेंगे। अब इधर कोकोनट की बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा वो ब्राउन कलर का कोकोनट, ब्राउन कलर का होता है ना, जिसमें ऊपर वो घास सी भूसा सा लगा होता है, ब्राउन ब्राउन सा। ठीक है, तो जो भूसा सा है वो फाइब्रस स्ट्रक्चर है, वो क्या है, मीजोकार्प है, जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अंदर जो हार्ड स्ट्रक्चर निकली, हार्ड स्ट्रक्चर वो ब्राउन ब्राउन सी, वो क्या है, एंडोकार्प है। कोकोनट में कहीं भी एपिकार्प की बात नहीं की गई है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपना फ्रूट कंप्लीट है, अब हम चलते हैं सीड पे। सीड क्या होता है, देखो हमने फ्रूट में क्या बात की थी कि फ्रूट क्या होता है, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होती है, मैच्योर हो जाती है, और सीड क्या है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैच्योर हो गया, ये ओव्यूल बना देगा, सीड बना देगा। ठीक है, अब किसी भी सीड में क्या होता है, देखो किसी भी सीड में क्या होता है, ये हम एक डायग्राम से कवर करेंगे। किसी भी सीड में क्या होता है, सीड कोट होता है और एम्ब्रियो होता है। सीड कोट क्या है, उसकी प्रोटेक्शन करेगा, किसकी प्रोटेक्शन करेगा, सीड कोट एम्ब्रियो की, और दोनों को मिला के क्या बोल देंगे, सीड। ठीक है, देखो ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया है ये है सीड कोट, और अंदर क्या होता है इसके, ये पूरा है एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो में क्या होता है, प्लूम्यूल होता है। देखो ऊपर ये ब्लू कलर का है, ये है प्लूम्यूल, और क्या होता है, रेडिकल होता है। ये नीचे ब्लू कलर का मैंने बना दिया रेडिकल, और क्या होता है इसमें, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ये रेड कलर में जो मैंने बनाया है ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और क्या होता है, कोटिलेडन्स होते हैं। कोटिलेडन्स ये ब्लू कलर के पंख जैसे जो मैंने बनाया, ठीक है, सीड कोट और एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में क्या है, प्लूम्यूल है, रेडिकल है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और कोटिलेडन्स है। अब ये कोटिलेडन एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। अगर ये कोटिलेडन एक हुआ तो क्या बोल देंगे, मोनोकोट प्लांट, है ना, मोनो मतलब एक, कोट मतलब कोटिलेडन। अगर ये दो है तो क्या बोल देंगे, डाइकोट प्लांट, डाई मतलब दो, कोट मतलब कोटिलेडन, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सीड पढ़ते हुए ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो इसको पहले ही हम निपटा देते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, देखो एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोट भी हो सकते हैं और मोनोकोट भी हो सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, एंडोस्पर्मिक मतलब जिस सीड में मैच्योर होने के बाद क्या है, एंडोस्पर्म पाया जाए वो हो जाएगा एंडोस्पर्मिक, और जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाए वो हो जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक, है ना। और इसके बारे में डिटेल में हम प्लस टू में पढ़ते हैं,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, कि एंडोस्पर्म कैसे कैसे बनता है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहां पे अपने इस चैप्टर मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में डाइकोट्स में एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल दिया है कैस्टर, और नॉन एंडोस्पर्मिक में दिए हैं पी ग्राम बीन, और मोनोकोट्स में क्या दिया हुआ है कि जनरली सारे मोनोकोट्स कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड वाले होते हैं जनरली, है ना, सारे मतलब यूनिवर्सल रूल है जनरली मैक्सिमम, ठीक है। और नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोट्स कौन से हैं, ऑर्किड्स होते हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम करते हैं अपना पहले डायकोट सीड करेंगे फिर मोनोकोट सीड करेंगे, ठीक है। डायकोट सीड में फिर से वही है, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया अपनी एनसीईआरटी के, एक एक लाइन को ये कवर कर देगा, ठीक है। हमने देखो हमने क्या बात की थी सीड में, हमने क्या बात की थी सीड में, क्या होता है सीड कोट होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और क्या प्लूमल रेडिकल और कोटिलेडन होते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही करना। देखो रेड कलर की जो मैंने बनाई है ये है अपनी सीड कोट, और सीड कोट के अंदर क्या है, ये है पूरा एम्ब्रियो, सीड कोट के अंदर क्या है अपना एम्ब्रियो है, ठीक है। अब सीड कोट की जो इनर लेयर है उसको बोलते हैं टैगमन, और जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं टेस्टा, ठीक है, टेस्टा टैगमन, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसमें तो याद ही हो जाएगा ना, इनर में आ रहा है एन और टैगमन में भी आ रहा है एन आ रहा है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब यहां पे एक चीजें लिखी हुई है कि जो सीड कोट है ना, इसमें सीड कोट के अंदर हाइलम, एक स्कार होता है, स्कार प्रेजेंट होता है हाइलम, ठीक है। अब देखो आप मान लो कोई भी फ्रूट है, फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है, जैसे बच्चा अपनी मां के साथ पेट में प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है, वैसे ही सीड फ्रूट से कनेक्टेड होता है, किससे, हाइलम के थ्रू कनेक्टेड होता है, हाइलम एक स्कार है, स्कार ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि हाइलम के ठीक ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब अपने इस एम्ब्रियो में आ जाते हैं, अब एम्ब्रियो में हमने क्या क्या किया था कि एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा जो ये मैंने रेड कलर में बनाया है, और क्या होगा ऊपर की साइड, क्या होगा प्लूम्यूल होगा, नीचे की साइड रेडिकल होगा, है ना। हमने बात की थी कि प्लूम्यूल से क्या निकलेगा, ऊपर स्टेम बन जाएगी, और रेडिकल से नीचे क्या बन जाएगी, रूट बन जाएगी, तो इस तरीके से पूरा प्लांट बन जाता है, ठीक है। और ये क्या है साइड में, डाइकोट प्लांट है, तो दो प्रेजेंट होंगे क्या, कोटिलेडन्स, बिल्कुल क्लियर है, डाइकोट सीड में बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन है नहीं। डाइकोट सीड के बाद बात करेंगे हम मोनोकोट सीड के बारे में, ठीक है। देखो ये एक आपका डायग्राम है, इसी से हम पूरी मोनोकोट की एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो एनसीईआरटी में लिखी है पूरी इसी से कवर कर लेंगे। ये मेज का डायग्राम है, मेज का, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में क्या बताया गया है, देखो सीड के बाहर क्या होती है, सीड कोट होती है। अब इसमें क्या है, सीड के बाहर देखो, टेक्निकली आप सोच के देखो, सीड के बाहर क्या होना चाहिए, फ्रूट ही तो होना चाहिए, फ्रूट है ना, तो इसमें क्या है, जो सीड कोट है वो फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज हो गई है, ठीक है। बाहर क्या है, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, सीड की जो कोट है वो फ्रूट की वॉल के साथ फ्यूज हो गई है, पहली बात है ना। दूसरी बात देखो, हमने क्या बात की थी, ये मेज है, मेज क्या है, देखो मोनोकोट है, तो हमने बात की थी जनरली मोनोकोट्स में क्या है, सीड कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक होता है जनरली, है ना, मैक्सिमम केस में, ठीक है। देखो अब यहां पे ये एंडोस्पर्म को दिखाया गया, ये है पूरा एंडोस्पर्म, और ये क्या है अपना एम्ब्रियो, ये एंडोस्पर्म और ये अपना क्या है एम्ब्रियो, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। देखो अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई है कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को एक प्रोटीन लेयर, जिसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, ये डब्बे 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 से बने हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को एक प्रोटीन लेयर जिसका नाम है एल्यूरोन लेयर, वो सेपरेट करती है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब एंडोस्पर्म में इतना क्लियर है, अब हम आ जाते हैं अपने एम्ब्रियो में, ठीक है। तो अब देखो ये कौन से हैं, मोनोकोट हैं, मोनोकोट मतलब यहां पे एक कोटिलेडन प्रेजेंट होगा, तो इसका एक कोटिलेडन जो होता है उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम क्या होता है, मोनोकोट का कोटिलेडन होता है, ठीक है। अब क्या होता है, हमने क्या किया था, एम्ब्रियो में क्या होता है, प्लूम्यूल होता है, ये प्लूम्यूल हो गया, और क्या होता है, रेडिकल होता है, ये रेडिकल होता है, ठीक है। अब प्लूम्यूल एक शीथ में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और रेडिकल भी एक शीथ में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये मेज का डायग्राम है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इसके थ्रू हम अपना मोनोकोट सीड कवर कर रहे हैं, और मोनोकोट सीड में हमने बात की थी जनरली मोनोकोट्स में एंडोस्पर्मिक सीड होता है ना, और हमने क्या बात की कि इसमें जो फ्रूट की वॉल है ना, जो फ्रूट की वॉल है वो सीड कोट के साथ फ्यूज हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और इसमें हमने क्या बात की, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, और ये क्या है, इधर अपना एम्ब्रियो है, और एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को क्या सेपरेट कर रहा है, एक प्रोटीन लेयर सेपरेट कर रही है जिसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। और हम एम्ब्रियो में जैसे डाइकोट्स में बात कर चुके हैं कि क्या होता है, कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, अब ये है किसका, मोनोकोट का, मोनो मतलब वन, कोट मतलब कोटिलेडन, मतलब इसमें एक कोटिलेडन
प्रेजेंट होगा जिसको बोलेंगे स्क्यूटेलम, जिसको बोलेंगे स्क्यूटेलम। ठीक है, और क्या होता है एम्ब्रियो में, क्या होता है प्लूम्यूल होता है, और क्या होता है रेडिकल। प्लूम्यूल क्या बनाएगा, स्टेम बनाएगा, और रेडिकल क्या बनाएगी, रूट्स बनाएगी। ठीक है, अब प्लूम्यूल एक शीथ में प्रेजेंट है जिसको बोला हमने कोलियोप्टाइल, और रेडिकल भी एक शीथ के अंदर प्रेजेंट है जिसको हमने शीथ को बोला कोलियोराइजा। बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं प्लांट फैमिलीज के बारे में, और फैमिलीज के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला में, है ना, जो सिंबल दिए हैं। देखो अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना, कैलाइक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पेरिएंथ, और क्या बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल, ये तो सिंपल है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना, तो सिंपल है। इनके सिंबल थोड़े थोड़े से कॉमन से ही है वैसे। के फॉर कैलाइक्स हो जाएगा, सी फॉर क्रोला हो जाएगा, ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गाइनोशियम, पी फॉर पेरिएंथ। ये मेल का होता है, ये फीमेल का होता है, ये दोनों एक में हो जाए तो बाइसेक्सुअल हो गया, है ना, और ये एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, और ये जाइगोमॉर्फिक। बस इतने से आपको सिंपल से याद रखना है। ठीक है, अब देखो गाइनोशियम, एक मजे की बात आती है, अगर गाइनोशियम, ये जी फोर गाइनोशियम था, अगर जी के नीचे एक डंडा हो, मतलब क्या कहना चाह रहा है वो कि जी फोर क्या है, गाइनोशियम मतलब उसमें होगी ओवरी, मतलब ओवरी ऊपर है, यानी सुपीरियर कंडीशन, है ना, सुपीरियर ओवरी है। अगर जी के दूसरी कंडीशन है, अगर जी के ऊपर डंडा हो, डंडा रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लावर के दूसरे पार्ट्स को, जी के ऊपर अगर डंडा सा लगा हुआ है तो मतलब बाकी से नीचे है ओवरी, तो मतलब इनफीरियर ओवरी आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब देखो अपनी एनसीईआरटी में कौन सी फैमिली दी हुई है, फेबेसी फैमिली दी हुई है, सोलेनेसी फैमिली दी हुई है, और लिलियेसी फैमिली दी हुई है। जो आपको चीजें याद करनी है वो ये है ना, ये चीजें आपको याद करनी है, और एक आपको इनके फ्लोरल फॉर्मूला याद करना है। देखो फ्लोरल फॉर्मूला की ट्रिक मत बनाना, क्योंकि वो भूल जाओगे, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, है ना, वो याद करने ही पड़ेंगे, उसमें कुछ नहीं हो सकता। और ट्रिक बनाई तो मैं बोल रहा हूं गड़बड़ी करके आओगे, और बस याद जो करनी है आपको ये चीज है, इन फ्लोरिसेंस फेबेसी में रेस्मोस और बाकी दोनों में साइमोस, फ्रूट फेबेसी में लेग्यूम, सोलेनेसी में बेरी और कैप्सूल, लिलियेसी में कैप्सूल, सीड फेबेसी में नॉन एंडोस्पर्मिक और इन दोनों में एंडोस्पर्मिक। ठीक है, अब मैं एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये फ्लोरल फॉर्मूला चार दिए हुए एनसीईआरटी में, फेबेसी का दिया हुआ है, सोलेनेसी का दिया हुआ है, लिलियेसी का दिया हुआ है, और ब्रासिकेसी का दिया हुआ है ना, और ब्रासिकेसी का कहां दिया हुआ है, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम का जो इंट्रोडक्टरी पैरा है ना, जहां पे वो सिंबल बताया गया, वहां पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूं इनमें ट्रिक मत बनाना, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी, इनको कॉमन सेंस से याद करोगे, है ना, तो याद हो भी जाएंगे, और ये याद ही आपको करने पड़ेंगे, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपको फैमिली के बारे में कुछ याद ही नहीं करना, फैमिली के बारे में सिर्फ आपको ये चीजें याद करनी, बाकी सब कुछ इससे कवर हो जाएगा। जैसे देखो ये हमने सिंबल किया था किसका, अब ये बता देगा जाइगोमॉर्फिक है या एक्टिनोमॉर्फिक है, ब्रैक्टिएट है या ईब्रैक्टिएट है ना, कैलाइक्स कितने हैं, कोरोला कितने हैं, और एंड्रोशियम और ये कोरोला आपस में कनेक्टेड है, पेरिएंथ पी फॉर पेरिएंथ है, पेरिएंथ और एंड्रोशियम आपस में कनेक्टेड है, है ना, एपिपेटलस है या एपिफिलस है, और ये ओवरी कैसी है, ये डंडा बता देगा सुपीरियर है कि इनफीरियर है, है ना, सब कुछ इससे आपको पता लग जाएगा, कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा। और रही बात इनके एग्जांपल्स की, तो वो मैं उसको मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, एक-एक के एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिए हैं, फेबेसी के, सोलेनेसी के और लिलियेसी के। सबसे पहले है सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, इसको कैसे याद करना है, देखो सोलन आपको पता है हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है सोलन, आप नेट पे आप चेक भी कर सकते हो। तो सोलन का जो आशीष था, सोलन का रहने वाला था आशीष, तो आशीष ने क्या किया, वो आलू बैंगन की सब्जी खा के सिगरेट यानी टोबैको पीने गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, वो आलू बैंगन खा के जो सिगरेट पीने गया, इससे क्या हुआ, उसके पेट में दर्द हो गया, पेट या बैली मान लो ना, पेट या बैली में दर्द हो गया। तो सोलन का आशीष जब आलू बैंगन की सब्जी खा के टोबैको यानी सिगरेट पीने गया, तो उसके पेट या बैली में दर्द हो गया। ठीक है, अब देखो सोलन से है सोलेनेसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किस चीज की ट्रिक है, ये भी इन्वॉल्व करो हमेशा ट्रिक में। ठीक है, तो सोलन से याद आएगा कि ये ट्रिक है सोलेनेसी फैमिली की, आशीष से क्या है अश्वगंधा, आलू बैंगन। अब आपके घर में जब आलू बैंगन की सब्जी बनती है तो उसमें क्या क्या डलता है, देखो आलू बैंगन है तो आलू यानी पोटैटो डलेगा, बैंगन यानी ब्रिंजल डलेगा, और क्या डलता है, टमाटर यानी टोमेटो डलते हैं, मिर्च तो डलेंगी सब्जी में ना, चिल्ली हो गई। ठीक है, अब सिगरेट टोबैको से आ जाएगा डायरेक्ट टोबैको, पेट या बैली से, देखो पेट से पेट्यूनिया और बैली से आ गया बेलाडोना। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है लिलियेसी फैमिली। ठीक है, देखो इसकी भी बहुत सिंपल सी ट्रिक है, देखो लिली किसी लड़की का नाम है, लिली किसी लड़की का नाम है, और लिली के लिप्स पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा ग्लो करते थे, लिली के लिप्स पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा
ज्यादा ग्लो करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो लिप्स पे एलोवेरा अप्लाई करती थी। एलोवेरा एक नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट है, आपको पता ही है, ठीक है। लिली के लिप्स कॉलेज में सबसे ज्यादा ग्लो करते थे क्योंकि वो एलोवेरा अप्लाई करती थी। तो लिली से आया लिलियसी फैमिली, मतलब ये ट्रिक है लिलियसी फैमिली की। और लिप्स से आया ट्यूलिप, है ना, इसमें आ रहा है ना लिप, लिप से आया ट्यूलिप। कॉलेज से कोल्चिसिन, ग्लो से ग्लोरियोसा, एलू से एलोवेरा और अप्लाई से आया एस्पेरेगस, ठीक है। अब नेक्स्ट फैमिली है फिबेसी फैमिली। देखो जो प्योर इंडियन फैमिलीज होती है ना, आपने देखा होगा इंडियन फैमिलीज में समोसे तो बहुत सारे खाते हैं ना लोग, समोसे बहुत खाते हैं। तो प्योर इंडियन फैमिली वही है जो लगभग लगभग 3 समोसे तो खाती ही है एक दिन में, ठीक है। तो प्योर इंडियन फैमिलीज ईट्स 3 समोसा डेली, लगा लेना डेली से, याद रख लेना प्योर इंडियन फैमिलीज ईट्स 3 समोसा डेली। अब प्योर से आया पल्सेस, इंडियन से आया इंडिगो फेरा, फैमिली से आया फेबेसी, मतलब ये ट्रिक है फेबेसी फैमिली की। ईट्स 3 का मतलब ट्राई, 3 मतलब ट्राई, मतलब ट्राइफोलियम। SMS समोसा है ना, S से आया सेस्बियाना, M से आया मुलेटी और S से आया सनहैम्प। क्लियर है? थैंक यू।